एमपी नगर जोन दो में स्थित सरगम टॉकीज में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। कोरोना काल में यह टॉकीज 2 साल से बंद पड़ी है। जब आसपास के लोगों ने टॉकीज के अंदर से धुआं उठता देखा, तब आग के बारे में पता चला। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते को टॉकीज का कांच तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। 4 दमकल की मदद से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। नगर निगम के फायर फाइटर राशिद शेख ने बताया कि कॉल सेंटर में शाम 6 बजे सरगम टॉकीज में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर बोगदा पुल से 2 और माता मंदिर स्थित फायर स्टेशन से 2 दमकलें भेजी गईं। आग लगने के दौरान टॉकीज बंद होने से इसका गेट बंद था। ऐसे में अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दमकल कर्मी टॉकीज की दीवार में लगे कांच को तोड़कर अंदर गए। वहां भी धुआं भरा हुआ था। अंदर तेज आग थी। हालांकि 8 बजे तक इस आग पर काबू पा लिया गया। आग किन कारणों से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि किसी व्यक्ति ने बिना बुझाए बीड़ी सिगरेट फेंकी होगी, जिससे यह आग भड़की है। आग लगने से टाकीज में रखी कुर्सियां व अन्य फर्नीचर जल गया। टाकीज बंद होने की वजह से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। 8 दमकल कर्मियों ने 4 दमकलों की मदद से आग को बुझाया। हालांकि टाकीज बंद होने की वजह कोई अन्य सामान यहां नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की इमारतों तक यह आग भड़क सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। अभी अंडा मारतो तू नाही ते मारतो पहिले पण जी हाय अच्छा।